Hello everybody, today we will discuss the new family, that is the family Apocynaceae. ये family है Apocynaceae, family ये आज हम जो यहाँ पर जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं ये Apocynaceae फैमिली है और इसे नीरियम फैमिली नीरियम जैसा आप जानते हैं इसे कनेर भी कहा जाता है कनेर आप देखे भी होंगे गांव में ये आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से इस फैमिली को कनेर फैमिली नीरियम जो इसका बोटानिकल नेम है उससे भी आप जान सकते हैं फिर राउल्फिया सर्पेंटाइना राउल्फिया फैमिली भी कहा जाता है तो जैसा कि इसके पहले भी जो भी हमने फैमिली पढ़े हैं अभी तक उस फैमिलीज में सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन को सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो सिस्टमेटिक पोजीशन में किसी भी पर्टिकुलर जो क्लास है किसी भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इस फैमिली को हम कैसे रखेंगे उसमें क्या उसका डिवीज़न होगा मतलब कि किस डिवीज़न से वो बिलोंग करेगा क्या सब डिवीज़न होंगे क्या क्लास होगा क्या सब क्लास होगा और साथ ही साथ उसके आर्डर एंड फैमिली फैमिली तो जान ही रहे हैं कि Apocynaceae या नीरियम फैमिली से कहते हैं तो यहाँ पर हम उसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि जो भी हम फैमिलीज को पढ़ रहे हैं उसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स का ज़्यादा महत्व होता है रही बात सिस्टमेटिक पोजीशन की वो भी टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सी उसका एक अलग रेलिवेंस है हाँ लगे हाथ हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे स्किप नहीं करते हालांकि उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को पढ़ने से हम यहाँ पे गुरेज नहीं करते तो जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पिछले वीडियोस में जो भी फैमिलीज हम पढ़ते हैं उसमें उनको हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ते हैं फिर उसके हैबिटेट और जिसे हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहते हैं उसको हम पढ़ते हैं फिर उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं जिसके अंतर्गत हम हैबिट रूट स्टेम लीव्स आदि के बारे में पढ़ते हैं फिर इसके बाद उस फैमिली का जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है हम उस पर फोकस करते हैं और लास्ट में फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में उसका क्या योगदान है इस फैमिलीज के जो प्लांट हैं वो डायरेक्टली हमको कितना इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली क्या हम इकोलॉजिकली तो सभी प्लांट हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे दैनिक जीवन से या ह्यूमन लाइफ से या एनिमल लाइफ से कर सकते हैं पूरी तरीके से प्लांट को हम स्किप नहीं कर सकते वो प्लांट हर तरीके से हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी भी फैमिलीज का जो प्लांट है वो ग्रीन है ऑक्सीजन देता है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक रेलिवेंस हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग के रूप में रहता है जिसका हम कोई रिटर्न नहीं दे सकते फिर अगर हम इसको टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर किसी भी फैमिलीज की अगर उसके
कुल उपकुल मतलब क्लास वर्ग ये सब जो क्लासेस हैं डिवीज़न क्लास ऑर्डर इन सबको अगर हम नहीं जानते तो जाहिर सी बात है कि हम उस प्लांट के बारे में उस फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य पार्ट को, क्योंकि टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी भी प्लांट को या जो फैमिली हम पढ़ रहे हैं अगर उसको स्टडी करना है उसके बारे में हमको फैमिलियर होना है तो हम उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को वी मस्ट हैव नो। और यहाँ पर फिर सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद फिर उसमें कुछ जनरल आइडियाज उसमें कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, कितनी सीसीज कितने जनरा को कवर करता है उसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डिस्कस द सब फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में जो डिवीज़न सब डिवीज़न है ये अगर हम डाइकॉट को पढ़ रहे हैं डिवीज़न सब डिवीज़न क्लास ये तीनों ही चीज़ें येट टू बी अभी तक कामन ही रही हैं, इनमें कोई भी चेंजेज नहीं आया है। क्योंकि हम डिवीज़न को पढ़ रहे हैं तो ये सीड बियरिंग प्लांट है तो हम स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत इसको स्टडी करते हैं। सब डिवीज़न को पढ़ रहे हैं तो हम एंजियोस्पर्म्स को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो सभी जो फैमिलीज या तो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सभी के सभी एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आएंगे। क्लास क्योंकि डाइकॉट से बिलोंग करता है ये फैमिली तो डाइकॉट रिडोनी है, इसमें कोई संशय नहीं। सब क्लास गर्मोपिटैली है, पॉलीपिटैली डाइकॉट के तीन भागों में हमने डिवाइड किया है जैसा कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, हमने नहीं डिवाइड किया है सॉरी। ये बेंथम एंड हुकर या फिर जितने भी जो एंजियोस्पर्म्स के जो सिस्टमेटिक्स हैं उसमें जो रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो चाहे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको किस तरीके से उनको सब डिविजन्स किए गए हैं, वो सब क्लासेस में सब सीरीज में डिवाइड किया गया है, उन सब बातों को फोकस करते हुए ये जो सब क्लास है ये डाइकॉट का जो पार्ट है वो गैमेपिटैली है क्योंकि इसमें जो पिटल्स आपस में यूनाइटेड हैं जुड़े हुए हैं। आप लोग एकदम टेंशन में कि जितना भी हम अभी तक फैमिलीज पढ़ाए हुए हैं सब में इतनी बार हम रिपीट कर देंगे कि आपको सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ने या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इन वीडियोज़ को एक बार दो बार गो थ्रू हो जाइए, ध्यान से सुन लीजिए, हम इसी में आपको एज ए नोट्स भी आपको नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम अंडरलाइन करा देंगे। जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वो डायरेक्टली यहीं पर आपको आप उनको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सब क्लास गैमेपिटैली है, सीरीज बाई कार्पेलेटिन मतलब दो कार्पेल्स इसमें हैं और ओवरी यहाँ पर भी इन्फीरियर ही है, कुछ इन्फीरियर है कहीं पे सुपीरियर ओवरी भी है देखने को मिलता है। आर्डर यहाँ पे देखिए आर्डर जो है ये फैमिली से थोड़ा सा डिफर है, जैसा कि आपने कुकुरबिटेसी फैमिली में देखा, कुकुरबिटेसी फैमिली में आपने देखा था कि आर्डर पैसिफ्लोरेंस था और सभी जो फैमिलीज अभी तक हमने फॉलो किया उनमें आर्डर अकॉर्डिंग टू द फैमिलीज के तहत उनमें रिप्रेजेंट किया गया, उसमें एल शब्द
सफिक्स किया गया और इस तरीके से जो फैमिलीज थी वो ऑर्डर में परिवर्तित हुई। एक बार इसको और रिकॉल कर लेते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ये तीनों एक ही हैं, सभी फैमिलीज में कॉमन है, डाइकट में अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये सब। मोनोकॉट पढ़ने लगेंगे तो यहाँ मोनोकॉट इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अभी डाइकॉट की जितनी फैमिलीज हम पढ़ेंगे उनमें ये सभी चीज़ें कॉमन होंगी। अब डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पर पॉलीपिडेली पढ़ने के बाद, यहाँ पर सब क्लास गैमोपिडेली पढ़ा जा रहा है, ठीक है। सीरीज अभी एनफेरी पढ़ रहे थे, अब ये बाइकार्पिलेटी है, दो कार्पेसेस में आर्डर जेंटियल्स जेंटीएनएल्स जेंटीएनएल्स जेंटीएनएल्स, ठीक है। इसको जरा याद करना होगा, रिमेम्बर करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से आप सुन तो इसके आगे एपोसाइनेसी में ऑर्डर जेंटीएनएल्स। देर आर अबाउट 300 जनरा एंड 1300 स्पीसीज, बहुत बड़ी फैमिलीज नहीं है ये, लेकिन फिर भी 1300 स्पीसीज को 1300 स्पीसीज को ये कवर करता है और 300 जनरा इसमें बिलोंग करते हैं तो ये कम नहीं है एक फैमिली के लिहाज से, एक अच्छी खासी फैमिली कही जा सकती है प्लांट फैमिली। अब इसका हेडगार्ड देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन एंड फ्यू ट्रॉपिकल आल्सो। तो इस फैमिली के जो प्लांट है, प्लांट्स बिलोंग्स टू दिस फैमिलीज आर द कॉस्मोपॉलिटन, दैट मींस दे आर फाउंड एट ऑल एट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर सेल्फ एट एवरीवेयर, मतलब वो हर जगह सर्वव्यापी हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, धरती के लगभग हर एक कोने में ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्यू ट्रॉपिकल आल्सो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ देम, कुछ स्पेशलिटी है कि वो ट्रॉपिकल रीजन में ही सिर्फ अपने आप को बिलोंग करते हैं, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन तक ही अपने आप को सीमित करते हैं, लिमिटेड करते हैं। हैबिट के बारे में देखते हैं तो हर तरफ ट्रीज इरेक्ट ब्रांचेस, तो ये तीनों ही तरीके के प्लांट्स, चाहे वो हर्ब्स हों, श्रब्स हों, ट्रीज हों, सभी प्रकार के प्लांट्स, मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट और वी कैन से द बिलोंग्स टू दिस फैमिली। तो हर तरीके के प्लांट्स इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। रूट इज टिपिकली डाइकॉट, एज यू नो द डाइकॉट फैमिलीज एंड द डाइकॉट प्लांट्स आर शोइंग देयर रूट्स आर यूजुअली द टैप एंड ब्रांच रूट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टैप रूट डाइकॉट का एक कॉमन फीचर्स है रूट के हिसाब से, तो यहां पर भी जो रूट हैं वो टैप एंड ब्रांच हैं, तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसा कि डाइकॉट की फैमिलीज में होता आया है जो कॉमन फीचर है रूट के लिहाज से, उसी तरीके से इसमें भी ये रूट टैप एंड ब्रांच। स्टेम कैसे हैं इरेक्ट, इरेक्ट को हमने बताया है कि अपवर्डली जो डेवलपमेंट्स होते हैं इस तरीके का डेवलपमेंट इरेक्ट, अपवर्डली जो डेवलपमेंट्स होते हैं उन्हें हम इरेक्ट ब्रांचेस कहते हैं, इरेक्ट ब्रांच। सॉलिड ग्लैबरस ट्यूबर लाइक, क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्लैबरस, बुजी अपीयरेंस, हियरी अपीयरेंस, सॉलिड भी रहते हैं, हर्बेसियस नहीं, सॉलिड हैं, मतलब स्टेम पूरी तरीके से ये सॉलिड है।
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जो जाइलम है वो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इरेक्ट ब्रांच सॉरी ग्लैबरस ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। लीव्स की बात करते हैं तो वर्सटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड रिगार्डिंग टू दिस फैमिली बिलोंग्स टू द लीव्स। सिंपल लीव्स भी देखने को मिलेंगी आपको, पेटियोलेट मतलब पेटियोल्स भी देखने को मिलेंगी, अपोजिट डेकोसेट ये थोड़ा सा बता देते हैं आपको, हालांकि हमने बताया है ये तो अपोजिट है इस तरीके से, ये अपोजिट है एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन अगर डेकोसेट की बात करते हैं तो इसके बाद में जो ये अपोजिट है ऐसे एक्सप्लेडेसी फैमिली में आप मदार वगैरह को देखेंगे, आंख वगैरह को, उसमें जो लिफ्ट होती है अपोजिट डेकोसेट होती है। अब जो आगे की फैमिली होगी उसमें इस तरीके का ये लीफ ऐसी अपीयरेंस होगी। तो मतलब अगर इन दोनों लीफ्स को यहाँ पर रखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कैसे आकर के यहाँ पर ऐड होगा, एक यहाँ से आकर के ऐसे ऐड होगा, तो एक दूसरे को इस तरीके की अपीयरेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन कंडीशन को अपोजिट डेकोसेट कंडीशन कहते हैं लीव्स के लिहाज से। अल्टरनेट वन लीव के बाद दूसरे लीव्स का वर्ल्ड है, वर्ल्ड है मतलब कि घेरे में है बहुत सारी लीव्स यहाँ पर ही इस तरीके से, यहाँ पर एक दो तीन चार मतलब ये घेरे में एक से दूसरा बंचेस में, बंचेस में ये लीव आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड हैं मतलब चक्रक हैं, और ये नीरियम और एल्स्टोनिया, नीरियम और एल्स्टोनिया ये दो प्लांट हैं जो कि इस तरीके के वर्ल्ड चक्रक लीव को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। कनेर वगैरह में आप देखेंगे तो ऐसी लीव्स होती है, ठीक है, तो नीरियम कनेर ही है। इस तरीके से हमने सिस्टमेटिक पोजीशन और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया, और अब हम यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर्स को स्टडी करने चल रहे हैं। अब देखते हैं कि फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनमें इन्फ्लोरेसेंस को हम पढ़ेंगे, और इन्फ्लोरेसेंस क्या है इसमें साइमोस, जैसा कि रेसिमोस साइमोस दो तरीके के हमने यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस को ज़्यादातर कॉमन फीचर्स में आप देखने को पाएंगे। तो साइमोस सॉलिटरी मतलब कोई सिंगल फ्लावर्स जा करके अकेले ही फ्लावर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोरिम्बोस साइम्स मतलब साइम्स एक दूसरे को, कोरिम्बोस ओरिएंटेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। अम्बलेट ये अम्बलेट मतलब ये एक दूसरे से सभी एक एक्सिस पर, ये एक एक्सिस पर, और ये सभी दोनों एक एक्सिस पर, तो अम्बलेट रिप्रेजेंटेशन बाय द फ्लावर्स ग्रुप्स एज द इन्फ्लोरेसेंस। अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो फ्लावर्स ग्रुप्स में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर्स पेडिसिलेट
तो एक यूनिक फीचर है, पेडिसेल्स पाए जाते हैं और पेडिसल की उपस्थिति के कारण ये फ्लावर्स पेडिसिलेट हैं। ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट्स फॉर्मेशन होते हैं और कई ब्रैक्ट्स मिलकर के ब्रैक्टियोलेट्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम एफ्रोडिट दैट मीन्स द बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं किसी एक सिंगल फ्लावर पर। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? आपका हर्म एफ्रोडिट कंडीशन। एक्जिनोमार्फिक मतलब ये जो फ्लावर्स हैं ये अगर किसी भी एक्सिस से काटे जाएं, सेंट्रल एक्सिस से, तो हर एक पार्ट गिव द टू इक्वल हाफ, दो बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। रेगुलर मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं जो पार्ट हैं वो स्किप है, सभी कंप्लीट हैं, रेगुलर हैं। समटाइम्स जाइगोमार्फिक, यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में यूजुअली एक्टिनोमार्फिक हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ फ्लावर्स में, कुछ प्लांट्स में आप जाइगोमार्फिक कंडीशंस आप देखने को पाएंगे। कंप्लीट हैं मतलब सभी के सभी फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स यहाँ पे उपस्थित हैं। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी की पोजीशन हाइपोगाइनस है। पेंटामिरस मतलब फाइव पंखुड़ियाँ फाइव हैं, चाहे पिटल्स हो सीपल्स हैं, सभी कितने हैं? फाइव इन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात फ्लावर्स के बारे में। अब देखते हैं कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या कितनी है, नंबर कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सीपल्स से। तो सीपल्स की संख्या कितनी है? फाइव। और वो कैसे हैं? यूनाइटेड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको गैमोसीपैलस कहते हैं, क्योंकि सीपल्स हैं और आपस में जुड़े होंगे तो गैमोसीपैलस। और यही बात अगर पिटल्स की होगी तो गैमोपिटैलस। तो गैमोपिटैली यहाँ पर देखिए सब क्लास में दिखाई दिया। तो गैमोसीपैलस दैट मीन्स द सीपल्स आर यूनाइटेड टुगेदर। एस्टिमेशन इज क्विंटेंशियल, ठीक है, क्विंटेंशियल एस्टिमेशन मतलब ओरिएंटेशन ऑफ द फ्लोरल लीफ इन क्विंटेंशियल मैनर, इम्ब्रिकेट मैनर। कोरोला द नंबर ऑफ पिटल्स इज फाइव, दे आर ऑल्सो यूनाइटेड टुगेदर, दैट मीन्स द गैमोपिटैलस कंडीशन इज प्रेजेंट। कैसी कंडीशन है? गैमोपिटैलस। फनल शेप, यहाँ पर एक करेक्टर्स या यूनिक फीचर आप कह सकते हैं कि फनल शेप एक स्ट्रक्चर है कोरोला में, ये फनल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी कोरोला में आप देखेंगे फनल शेप स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। हियरी अपेंडिसेस जिन्हें स्केल्स भी कहा जाता है ये प्रेजेंट रहते हैं। हियरी अपेंडिसेस दैट मीन्स एस्टिमेशन इज कंटर्टेड, यहाँ पर कैलिक्स को जब देखते हैं तो एस्टिमेशन इज क्विंटेंशियल था और कोरोला में ये कंटर्टेड है, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर देंगे ट्विस्टेड। एंड्रोसियम द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज फाइव इन नंबर, दिस इज अल्टरनेटिंग विद द पीटल्स, मतलब पीटल्स पर जैसे यहाँ
स्टेमेंस हैं, ये पीटल हैं, फिर यहाँ स्टेमेंस हैं, ये पीटल है, फिर यहाँ स्टेमेंस हैं, ये पीटल है। तो ये अल्टरनेट करके हैं, गाइनोसियम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ द सॉरी कोरोला पीटल्स की बात हो रही है, फिर एंडोसियम द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज द 5 अल्टरनेटिंग विद द पीटल्स सिचुएटेड ऑन ट्यूब, एक ट्यूब रहता है पीटल्स पर, वहीं पर ये सिचुएटेड है ट्यूब में, ये पीटल्स हैं अंकुड़ियाँ हैं यहीं पर, इसमें पीटल्स ये स्टेमेंस रहते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, इसी में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ईपीपीटाइलस कंडीशन, ये एक यूनिक फीचर है, इसको आप ध्यान दीजिए, ईपीपीटाइलस कंडीशन, एंथर्स इंटोस एज यूजुअल, पॉलीएंड्रस कंडीशन, बहुत सारे स्टेमेंस हैं पॉलीएंड्रस, एडहेरेंट स्टिग्मा, जो स्टिग्मा को क्या करते हैं एडहेयर करते हैं, एडहेयर करते हैं। गाइनोसियम की बात करते हैं, स्त्रीधानी की बात करते हैं, मेल पार्ट को हम पढ़ चुके हैं, अब हम फीमेल पार्ट को पढ़ रहे हैं। गाइनोसियम इज बाइकार्पिलरी, एपोकार्पस अगर वो फ्री हैं तो इन्होंने एपोकार्पस, अगर ये यूनाइटेड हैं तो क्या कहेंगे सिंकार्पस, अगर वो जुड़े हुए हैं तो सिंकार्पस, उन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे, फ्री हैं तो उन्हें हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। सुपीरियर ओवरी है कभी कभी पार्टली सम केसेस में, जैसा कि आप प्लूमेरिया में देखेंगे, इन्फीरियर पार्टली इन्फीरियर, मतलब सुपीरियर ओवरी ही है लेकिन कुछ ये कैसा है कि इन्फीरियर ओवरी भी देखने को मिल जाती है। बाइलोब्ड स्टिग्मा है, मतलब स्टिग्मा जो है ये दो लोब में टूटे हुए हैं, ये ऐसे ये स्टिग्मा ऐसे टू लोब है, 1-2, तो बाइलोब स्टिग्मा है। यूनिलोबुलर विद पैराइडल, कुछ देखिए वेरिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंटेशन के रूप में, कि अगर लोक्यूल्स अलग अलग ढंग से या नंबर ऑफ लोक्यूल्स जो ओवरी में हैं, अगर उनके लोक्यूल्स की संख्या के प्रदेश पर प्रेजेंटेशन डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए यूनिलोबुलर विद पैराइडल प्रेजेंटेशन, जो पैराइडल प्रेजेंटेशन है, अगर एक लोक्यूल है सिंगल लोक्यूल दैट मीन्स द सिंगल ओव्यूल आल्सो दैट इज द पैराइडल प्रेजेंटेशन। बाइलोबुलर एक्साइल प्रेजेंटेशन, अगर दो लोक्यूल हैं, लोक्यूल मीन्स खाने भाई, यही किसी ओवरी में ये ओवरी है, अगर उसमें एक दो ये तीन तरीके के हैं तो ट्राइलोक्युलर, और यही दो भागों में डिवाइड है बाइलोक्युलर, नहीं डिवाइड है तो यूनिलोक्युलर। तो इस तरीके से जो लोक्यूल्स हैं जो खाने हैं इन्हीं को लोक्यूल्स कहते हैं, और इन्हीं के बेस पर प्लेसेंटेशन यहाँ पे डिवाइड किया गया है, प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट किया। इन केस ऑफ सेपरेट ओवरीज, अगर ओवरी अलग अलग हैं तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर ओवरी सेपरेट है तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट
ए पेयर ऑफ फॉलिकल्स, दो फॉलिकल्स के रूप में ये फ्रूट रिप्रेजेंट होते हैं और इलांगेटेड फॉलिकल्स हैं, ठीक है। तो ये फॉलिकल्स इलांगेटेड रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, अभी तक हमने यहाँ तक फ्रूट तक हमने कवर अप किया और हम चाहते हैं कि आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम इसका एक पार्ट व्यू में आपको मेन मेन फीचर्स को फिर रिकॉल करा देते हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपको ग्रेस्प करने हैं, रटने हैं, जानने हैं। यहाँ तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो तीन फीचर्स हैं, डिवीजन, सब डिवीजन्स एंड क्लास, तीनों कॉमन हैं अभी तक जितनी भी फैमिली से आप पढ़ रहे हैं। सब क्लास गैमोपिटेली यहाँ शुरुआत हुई है, बाइकार्पिलेटी है, जेंटीएस, ये याद करना है ऑर्डर, जेंटीनेल्स, जेंटीनेल्स, जेंटीनेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पहले भी कॉस्मोपॉलिटन ट्रॉपिकल, कुछ स्पेशल ट्रॉपिकल थे, यहाँ पर भी हैबिट, हर्ब सब ट्रीज, इरेक्ट ब्रांचिंग है, रूट टिपिकली डाइकॉट है, जैसा डाइकॉट में पाया जाता है, स्टेम इरेक्ट ब्रांचिंग यहाँ पे हमने दिखाया है, तो यहाँ स्टेम भी इरेक्ट ब्रांचिंग। लीव्स कैसी हैं, सिंपल हैं, पेटियोलेट अपोजिट, डेकोसेट, ये आपको ध्यान देना है, अपोजिट डेकोसेट, अपोजिट डेकोसेट। और वर्ल्ड कंडीशन से अगर घेरे में चक्रण में दिखाया जा रहा है तो एग्जाम्पल है नीरियम और दूसरा एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, नीरियम एंड एल्स्टोनिया। इन्फ्लोरेसेंस की बात, फ्लोरल करेक्टर्स में पहला करेक्टर से इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें साइमोस, सॉलिटरी कॉरिम्बोस, साइम्स, अम्बलेट, हमने बताया अम्बलेट कंडीशन तो बताई अभी हमने, आप लेक्चर्स को पीछे करके थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। फ्लावर्स में पेडिसिलेट, ये एक यूनिक फीचर है, बैक्टीरिएट, बैक्यूलेट, हार्मोफ्रोडिट, एक्टिनोमार्फिक, रेगुलर, समटाइम्स जाइगोमार्फिक, कंप्लीट, हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरिस, पांच अगर उसमें पंखुड़िया है तो पेंटामेरिस। कैलिक्स की बात करते हैं, सिपल्स फाइव हैं, वो जुड़े हुए हैं आपस में, गैमोसिपेलस, एस्टिबेशन यहाँ पे क्यूटेंशियल है और कोरोला में एस्टिबेशन कंट्रोलेड है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। एंड्रोसियम की बात करते हैं, स्टेमेंस की संख्या फाइव है, ये पीटल से अल्टरनेट कर रहे हैं और ट्यूब सिचुएट, ट्यूब पर सिचुएटेड है। ई पी पिटाइलस कंडीशन, ये आप रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा कि ये ई पी पिटाइलस कंडीशन में पाई जाती है। पॉलीएंड्रस एंथाइसेंट्रोस हैं, पॉलीएंड्रस है जो स्टिग्मा को एडियर कर रहे हैं। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी है, दो कार्पेल्स हैं, अगर फ्री हैं तो हैं एपोकार्पस कहेंगे, अगर जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं तो सिंकार्पस कंडीशन। एक अगर वन लोक्यूल हैं तो पेराइटल प्रेजेंटेशन, दो लोक्यूल हैं ओवरी में तो एक्साइल प्रेजेंटेशन, और अगर ओवरी सेपरेट है तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन। फ्रूट कैसा है, ए पेयर ऑफ इलांगेटेड फॉलिकल्स, तो ये फॉलिकल्स, फ्रूट फॉलिकल्स में आते हैं। तो इस तरीके से इसको हमने रिकॉल भी करा दिया, मेन मीन्स जो हमने अंडरलाइन किए हैं आप उनको स्क्रीनशॉट के द्वारा उसे एक अपना एक और व्यू रख सकते हैं और उसको राइट डाउन भी करिए, नोट डाउन भी करिए, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चंस स्किप न हो और उसे आराम से आप कर सकें। तब इसके बाद अब हम इसके अभी फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और जो कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे।
Now we will discuss the left part that was left in this video. That is the floral formula and floral diagram of the family Apocynaceae. जो Apocynaceae में जो plants हैं जिनके floral formulas और floral diagram को अभी तक नहीं पढ़ा गया था उसमें अब हम उसके इस पार्ट को देखेंगे. फ्लोरल फार्मूला में जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसी को एक वन लाइन एक फार्मूला के तहत पिरोने की कोशिश किया गया है ये बेंथम एंड हुकर द्वारा या फिर टैक्सोनॉमिक्स द्वारा. ये एक्टिनोमॉर्फिक का डिनोटेशन है जिसमें कि हर तरीके से प्लांट किसी भी एक्सिस से टू इक्वल हाफ में जो लीव फ्लावर्स है उसको डिवाइड किया जा सकता है. मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही फ्लावर्स पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर्स पे देखने को मिले तो ये बाइसेक्सुअल या इसी को हर्मेफ्रोडिट कहते हैं. कैरिक्स फाइव हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये आपस में यूनाइटेड हैं हमने यूनाइटेड दिखाया हुआ है. कोरोला नंबर ऑफ फाइव्स हैं ये भी आपस में यूनाइटेड हैं जुड़े हुए हैं. नंबर ऑफ स्टेमेंस की संख्या फाइव है दे आर यूनाइटेड टुगेदर जुड़े हुए हैं नॉट थ्री. एंड बाइकार्पेली दो कार्पेल्स हैं और दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं. देखिए दो कार्पेल्स हैं तो दो कार्पेल्स हैं ये सुपीरियर ओवरी है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन नीचे किया हुआ है. अब इसके कुछ फ्लोरल जो यलस वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर ने लिया है तो एपिटल्स हैं और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमने बताया है कि जहाँ पे स्टेमेंस रहते हैं पीटल्स में ही ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. यहाँ पेडिसल ये ओवरी से सटा हुआ पेडिसल का पार्ट है ठीक है ये पेडिसल पार्ट है ओवरी से सटा हुआ है ये ये पेडिसल है. वर्टिकल सेक्शन इस फ्लावर्स का लिया गया है स्टेमेंस इन्हीं खांचों में ट्यूब्स में रहते हैं. एपिपेटलस कंडीशन नहीं सॉरी नॉट एपिपेटलस दैट इज फाउंड देयर सेल्फ इन ए ट्यूब ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ये अपने आप को सृष्टि किए रहते हैं. अब कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट हैं उनको देख रहे हैं. पहला प्लांट है एलिस्टोनिया स्कोलरिस इसे सेटेविन भी कहा गया था सताविन भी कहा जाता है सेटेविन और ये मेडिसिनल यूज होता है अल्सर वगैरह डिसेंट्री में यूज होता है ठीक है अतिसार वगैरह जहाँ पे लूज मोशन वगैरह इस सब में अल्सर वगैरह में पेट में अल्सर होती सब का इसको मेडिसिनली इसका यूज है. तो हम देख रहे हैं कि इसका एक मेडिसिनली यूज है पर्पज है जो प्लांट इसमें इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं एलिस्टोनिया. फिर एक एरिसा कैरिंडस जिसे करौदा भी कहते हैं इसका फ्रूट पिकल्स के रूप में इस्तेमाल होता है सॉस पिकल्स इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं. नीरियम इंडिकम कनेर ये भी मेडिसिनली इसका इस्तेमाल यूज होता है बहुत सारे मेडिसिन में ये यूज होती है. रोल्फिया सर्पेंटाइना ये हाई ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन में मेंटल डिसऑर्डर्स में ये एक औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है. ऑर्थोबेडिया पेरुवेरिया पेरिवियाना इसे पीली कनेर कहते हैं ये भी ऑर्नामेंटली इसका इस्तेमाल होता है. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको
हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन इसके इम्पोर्टेंस हैं, इसके प्लांट की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन्हीं प्लांट पर हमने फोकस किया है। एक बार फिर रिकॉल करा देते हैं, फ्लोरल फार्मूला में एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, ये गैमोसिपेलस, गैमोपिटेलस, ये आपस में जुड़े हुए इसलिए ब्रैकेट में है, एंड ये गैमो स्टेमेंस, ये बहुत सारे स्टेमेंस ये फ्री नहीं है, यूनाइटेड टुगेदर हैं, ठीक है, और सिंग कार्पस ओवरी है। फ्लोरल डायग्राम उसी तरीके से है, नंबर ऑफ फाइव ये आपके सीपर्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और पीटल्स की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये आपस में यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ स्टेमेंस 1, 2, 3, ये आपस में कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। टू कार्पेल्स हैं, बाई कार्पिलरी है, सिंग कार्पस और सुपीरियर ओवरी है, कहीं कहीं पर पार्टली इंफीरियर ओवरी भी देखने को मिलते हैं। फ्लावर को हमने देख ही लिया है, ये ट्यूब यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो आपको फीचर है, जो कि आपको पेटल्स में देखने को मिलता है। इसमें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस प्लांट में आपको एस्टोनिया स्कॉलरिस, कैरिसा करेंडस, नीरियम इंडिकम, रोल्फिया सर्पेंटाइना और थिवेटिया पेरुवेनिया पेरुवियाना, इन सभी को आप एक बार वीडियो को देख करके और उसको जो भी इसमें शॉर्ट जो भी स्क्रीन शॉट ले करके उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो अंडरलाइन हमने कराया है उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हों आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे ज़्यादातर बनते हैं। तो आप एक एक जो लाइन इसमें हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है उन सभी को ध्यानपूर्वक वीडियोस को देख करके, वैसे भी हम बहुत ही रुक करके बहुत अच्छे से आपको समझाया है, और हम चाहते हैं कि जिससे कि आपको कोई भी पार्ट्स या कोई भी जो टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं वो ऐसा ना हो जिससे कि आपको लगे कि ये ऑल ऑफ सडन क्या सर ने लिख दिया है। तो आई होप कि आपका जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, और इस तरीके से फैमिली एपोसाइनेसी को हम यहाँ पर कवर किए, कंप्लीट किए, और आई होप कि आप लोग इससे पूरी तरीके से एक अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। और अभी एक बार ना समझ में आया तो कम से कम एक बार वीडियो को और देखिए तो आप इसको अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर एक नई फैमिली के साथ हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू, बाय।